ईद पर्व को सफलता संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार को पुलिस के आला अधिकारियों ने बख्शीपुर से पैदल मार्च किया और बैनीगंज ईदगाह में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फ्लैग मार्च में एडीजी दावा शेरपा, आईजी निराबजा चौधरी, एसएसपी शलभ माथुर, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, सीओ कोतवाली अतुल चौबे सहित भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। बक्सीपुर से शुरू हुआ फ्लैग मार्च अलीग नगर चरणलाल चौराहा होते हुए बैनीगंज ईदगाह पहुंचा, जहां अधिकारियों ने ईद में व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा लोगों को शांतिपूर्वक ईद मनाने को कहा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी निराबजा चौधरी और एडीजी दावा शेरपा ने कहा, जी सर जी आप अभी तो भेज दो खंडन करने के लिए सही होगा। मेरे को पहले चला मौसम के समय आम का लगा को बचाना बचाना है ना सर। ये आप पहुँचे वहाँ सर क्या फ्लैग मार्च किया गया अभी तक? ईद के परिप्रेक्ष्य में जो है संवेदनशील स्थलों पर हम लोगों द्वारा फुट पेट्रोलिंग करी गई है। ये जैसे शासन के निर्देश अनुसार पुलिस के सड़क पे विजिबिलिटी जो है उसको बढ़ाने के दिशा में एक कदम है और हम लोग इस अवसर पे पुलिस विभाग की ओर से और समस्त जिला प्रशासन की ओर से सभी नगरवासियों को ईद के अग्रिम बधाई भी देते हैं और आशा रखते हैं त्यौहार सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न। ये विशेषकर जो आगामी ईद का त्यौहार है उसका उसमें जो बंदोबस्त होया है तो देखना भी था। बस शहर में जो लोग फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जिससे जनता को ये लगे कि पुलिस जो है सड़क पे समय समय पर नियमित रूप से लोगों के बीच रहेगी। ईदगाहों की सुरक्षा के बारे में ईदगाहों की जो सुरक्षा है ईदगाहों में सुरक्षा विशेषकर ईद के दिन
जो वहाँ की व्यवस्थाएँ हैं, साफ़ सफाई है या कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, इसकी विशेष ख्याल रखा गया है। और ईद सकुशल संपन्न हो उसके लिए जो कुछ भी करना जरूरी है इसका इंतजाम कराया जा रहा है।